और साथियों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि हमें कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपए हमें अब मिलने वाले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच सहमति हुई है जिसमें इसका फ़ायदा EPS 95 पेंशनरों को मिलने वाला है, वो भी सीधा का सीधा इसमें फ़ायदा पूरा का पूरा मिलने वाला है। हमेशा EPS 95 पेंशनरों के लिए मैं सही और सटीक जानकारी देता हूँ, वो भी बहुत अच्छी बेहतरीन क्वालिटी के साथ में और विश्वसनीय खबर आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं हमेशा लाखों प्लस जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आज बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट जान कर के आप भी हक्के के बक्के रह जाओगे क्योंकि अपडेट कुछ ऐसा है जो पिछले 6 साल में नहीं आया। पिछले 6 साल से जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आज हमें देखने को मिली। आखिर ऐसा क्या है कि अब हमें 6 साल के बाद में आज देखने को ऐसा मिला। 6 साल से जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ हमें आज देखने को मिली। EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के सरकार और EPFO के बीच में जो सवाल जवाब हुए हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। EPS 95 पेंशनरों के लिए सरकार कह रही है कि अब चुनाव पास में आ रहे हैं तो इन लोगों को पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है इसको ख़त्म किया जाए, इस पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को हम ख़त्म करेंगे। वहीं पर EPFO से संपर्क साधा गया तो संपर्क साधने के बाद में EPFO जो अपना वापस जवाब देता है वो जवाब कुछ इस प्रकार होता है। EPS 95 पेंशनरों के लिए हम पेंशन देने के लिए तैयार हैं लेकिन इसमें 2-3 वर्ष के अंदर, 2-3 वर्ष जैसे कि 2008 2014 इन वर्षों में कुछ मिस्टेक्स है, उन मिस्टेक्स को हम क्लियर करेंगे पहले और उसके बाद में इन लोगों को इनके योगदान के अनुसार हम पेंशन देने के लिए तैयार हैं। चाहे इनको पेंशन 9,000 रुपये मिले, चाहे इनको 7,000 रुपये मिले, चाहे इनको 4,000 रुपये मिले, यह जवाब EPFO की तरफ से दिया गया। लेकिन अब देखते हैं आगे का निर्णय क्या होता है। EPFO ने कहा बाकी आगे सुप्रीम कोर्ट जाने, उसका काम जाने। हमने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दाखिल करवाया हुआ है, वहाँ से अनुमति मिलने के बाद में हम इस पर अहम अमल फैसला ले लेंगे। अब आगे देखना यह है कि सरकार किसके पक्ष में होती है, EPFO को ये जवाब देकर के ही वहाँ पर रोकेगी या फिर आगे पेंशन मैदान में उतारेगी, ये देखने के लिए आप वीडियो हमेशा देखता रहें। वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत बड़ी घोषणा की गई है। अब EPS 95 पेंशनरों को पेंशन मिलने की आशंका जताई जा रही है। मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।